हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज की जो मेरी रेसिपी है वो स्टीम लौकी मुथिया है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो है ग्रेटेड लौकी, व्हीट लड्डू फ्लावर, बेसन, लेमन जूस, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक, चिली पेस्ट, सफ़ेद तिल, हिंग, शुगर, ऑल स्पाइसेस। मुठिया बनाने के लिए हमें बड़ा बॉल लेना है, उसमें मैं ग्रेटेड की हुई लौकी डाल दूंगी। अब उसमें जिंजर, चिली और गार्लिक जो पेस्ट बनाई थी वो थोड़ा सा डालूंगी, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालूंगी, चुटकी भर हींग डालूंगी, थोड़ी सी शक्कर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा धनिया उसमें डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और नींबू का एक दो चम्मच रस डालूंगी। ये सारा हमें मिक्स कर देना है। अच्छी तरह सारा मसाला हमें मिक्स करना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि लौकी है वो अपना खुद का पानी छोड़ती है, तो फिर वो डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें मैं लड्डू का जो फ्लावर है वो डालूंगी। और साथ में थोड़ा सा मैं बेसन भी डालूंगी। उसमें जितना चाहिए उतना ही डालना है, पहले से ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अगर हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा कम है तो फिर हम डालते जाएंगे। अब हाथ से सारा अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मैंने अच्छी तरह सारा कुछ मिक्स कर दिया है, फिर उसके गोले बना के उसे स्टीम करूंगी। ऐसे मैंने सारे गोले बना के अब इसको हम स्टीम करेंगे, उसे आधा घंटे के लिए हम स्टीम करेंगे। अब हमारे लौकी के जो मुठिया है वो स्टीम होके रेडी है, उसे अब मैं कट करूंगी, फिर उसके बाद एक तड़का लगाऊंगी। अब मैं तड़का लगाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लूंगी। अब उसमें थोड़ी सी मैं राई डालूंगी और थोड़ा सा तिल। दोनों अच्छी तरह हो जाए बाद में मैंने जो ये मुठिया है वो कट करके रखा है तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। उसे अच्छी तरह मिक्स करना है और ऐसे हिलाते रहना है और उसको थोड़ा 5 मिनट के लिए चलाते रहना है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारे जो मुठिया है वो
थोड़ा सा उसका रंग गोल्डन ब्राउन सा हुआ है, तो अभी 2-3 मिनट रखेंगे, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, बाद में मैं उसे सर्व करूँ। अब हमारे जो स्टीम मुठिया है वो अब होके रेडी है, बस उसमें थोड़ा सा मैं कोरिएंडर डालूँगी। अब हमारे मुठिया है वो सर्व करने के लिए रेडी है। अब हमारा जो स्टीम किया हुआ मुठिया है लौकी का, वो अब होके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।